तो अभी हम लोग तैयार हो गए हैं और फैजान अभी जस्ट आ रहा है और मैं यहाँ से घर से निकला हूँ। ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, बट जल्दी जल्दी करते हैं और पहुँचते हैं वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगा तो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अभी आ चुके हैं गोरेगांव स्टेशन और यहाँ से चलते हैं आगे। तो अभी बाहर साइड आ गए हैं और यहाँ से देखते हैं बस लेते हैं या ऑटो लेते हैं और फिर चलते हैं गोरेगांव फिल्म सिटी। फिलहाल के लिए हम लोग रिक्शा पकड़ लिए हैं क्योंकि बस हम लोग को इतनी जल्दी मिल नहीं रही थी और फटाफट अभी चलते हैं। ऑलरेडी हम लोग को लेट हो चुका है और जितनी जल्दी हो सके हम लोग पहुँचते हैं क्योंकि टाइमिंग 8 बजे का था, 7:30 तो ऑलरेडी बज ही रहे। चलते हैं फटाफट और आपको मिलते हैं फिल्म सिटी में। फिलहाल हम लोग फिल्म सिटी में आ गए हैं प्राइम फोकस स्टूडियो और यहाँ पे तो है ही नहीं अभी लेट शो में। तो देख अभी दोनों के दोनों एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं मॉर्निंग के टाइम पर। जरा जिम करके आए तो बॉडी भी बनना चाहिए देखो। और पता है हम लोग का सुबह ही सुबह एकदम मॉर्निंग में एक्सरसाइज हो गया, हम लोग भाग भाग के आए हैं क्योंकि काफ़ी हम लोग को लग रहा था लेट हो गया, बट यहीं पे शो ही लेट है, पोपट हो गया गाइस। हाँ और उसके बाद ना हम लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी नहीं किए थे तो यहाँ पे आगे कैंटीन यहाँ पे है तो हम लोग ब्रेकफास्ट किए। अभी जा रहे हैं हम लोग सेट की तरफ। हम लोग प्राइम फोकस स्टूडियो के पास खड़े हैं और अभी अंदर जाके आपको दिखाएंगे। वैसे मैं दिखा नहीं पाऊंगा अंदर का जो शो का जो है ना सेट, वो दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि अंदर अलाउड ही नहीं है फ़ोन। फ़ोन हम लोग का सब जमा हो जाता है और अंदर बहुत ही मुश्किल है जो आप शूट कर पाओ, मुश्किल ही नामुमकिन है। तो अभी देखते हैं हम लोग शो को एंजॉय करेंगे और जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा वहाँ से आपको आके रिटर्न बताऊँगा। हम लोग चाय पी रहे, इधर पीछे नाश्ता बन रहा है, चाय पीते अभी। फाइनली शो ख़त्म हो गया है और हम लोग मॉर्निंग में हम लोग 6 बजे निकले थे घर से और आते आते यहाँ पे 8 बज गए थे और फिर 12 बजे से शो स्टार्ट हुआ है, रात में 10 बजे ख़त्म हुआ है। और ये फैजू भाई की गाड़ी और उधर वैनिटी वैन में फैजू भाई। फाइनली प्राइम फोकस स्टूडियो से हम लोग बाहर निकलते हैं और चलते हैं यहाँ से गोरेगांव फिल्म सिटी से बाहर गोरेगांव स्टेशन और फिर वहाँ से हम लोग को ट्रेन पकड़ के फिर हम लोग को जाना होगा दादर। तो अभी फैजू भाई को तो आने में टाइम लगेगा, हम लोग फिलहाल चलते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया है, 11:30 बजने वाले हैं, हम लोग को पहुँचते भी टाइम लगेगा 1 घंटा। तो हम लोग अभी निकलते हैं, बाद में इंशाल्लाह कभी फिर मिलेंगे अच्छे से। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं देख के शो, शूटिंग में काफ़ी लेट हुआ, हम लोग 12-1 बजे तक घर पे पहुँचे, 1 बजे तक लगभग। और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग शूट था और काफ़ी अच्छा सबका डांस था, बहुत ही मज़ा आया। बट आप लोगों को बता दूँ कि विनर कौन है, थोड़ा सा आप लोग, मैं बोलता हूँ ना, थोड़ा इमेजिन करो कि कौन हो सकता है विनर। कुछ पब्लिक को मैं पता होगा, आप लोग अगर पता होगा तो कमेंट्स में बताओ कि कौन है विनर। और जिसको नहीं पता है मैं उसको बताना चाहता हूँ कि इस सीज़न 10 का झलक दिखला जाए शो फाइनल में कौन विनर हुआ है, कौन ट्रॉफी लेके गया अपने घर। टाइम हुआ ख़त्म, अब आप लोग के सामने विनर का अनाउंसमेंट होगा जो मैं खुद करूँगा, आप लोग के साथ शेयर करूँगा। अमेजिंग था, बहुत ही मस्त है, आप लोग सब लोग जानते हो, वो कोई बड़ा इंसान नहीं ना कोई छोटा इंसान है, वो मिडल में है। तो काफ़ी मज़ा आएगा और आप लोग तो डांस देख के भी आप लोग बोलोगे, बट फैजू भाई का मुझे भी उम्मीद था लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है, उनको वोट बहुत ही अच्छा मिला था। अभी मैं विनर का अनाउंसमेंट करता हूँ, जो है छोटा सा प्यारा सा बच्चा ही है लेकिन बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं उनके और मैं तो फिदा उनके डांस पे, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे उनका जो मूवमेंट है, बॉडी मूवमेंट काफ़ी मस्त लगता है मुझे। और बस मैं आपको बता दूं कि वो विनर हैं गुंजन और तेजस, भले ही आपको दिल पे ठेस पहुंची हो, मुझे भी एक बार पहुंचा था, फैजू भाई पे उम्मीद लगा के बैठा था, उनको वोट तो माशाल्लाह मैं बोलूँगा बहुत अच्छा मिला है, बहुत प्यारा मिला है। बट कलर्स टीवी पता नहीं क्या है यार, जो धज्जिया उड़ा देती है पूरा। उनका डांस तो नेक्स्ट लेवल का गाइस था क्योंकि एक क्रिएटर 15 सेकंड का क्रिएटर है, जब कोई 5 या 6 मिनट की वीडियोस पे डांस सॉन्ग पे डांस करता है तो वो बहुत बड़ी बात है यार, कोई कर पाए ऐसा जो 15 सेकंड्स के रील क्रिएट करता था, वो डायरेक्ट एक सॉन्ग पे डांस करता हो, तो वो एकदम नेक्स्ट लेवल फील आती होगी। रियली बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। फैजू भाई बहुत आप मेहनत करे हो, ऐसे आगे बढ़ते रहो, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल का ये मेहनत था आपका, काफ़ी अच्छा है लगा, रात रात आप सोए नहीं, मेहनत किए और परफॉर्म किए, प्रैक्टिस किए, तो काफ़ी मज़ा आया। तो बस यही सारी चीज़ थी, मैं उस टाइम वहाँ से आया थक गया गाइस, तो एक दिन मेरा लेट व्लॉग आ रहा है,
जिस दिन शो फर्स्ट मतलब सैटरडे संडे जो होता है, बस ये जल्दी आ जाएगा, वो रात में आएगा, ये सुबह के टाइम आ जाएगा, वो रात में आएगा, बस इतना ही फ़र्क रहेगा। बाकी आप लोगों को यही सब बताना था, काफ़ी मज़ा आया, शो देखा मैंने लाइव, काफ़ी अमेजिंग अमेजिंग डांसेस सब लोगों ने परफॉर्म किया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और बस लाइक शेयर और सपोर्ट अपना बनाइए रखिए, और क्या बोलूँ, अभी तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली इस चैनल पे, बस हम लोग प्लान कर ही रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द हम लोग करने वाले हैं सब। तो आप लोग सपोर्ट करो, बस यही दुआ है मेरी, और आप लोग भी दुआ करो कि भाई थोड़ा और ग्रोथ करें, थोड़ा फास्टेस्ट, और इंशाल्लाह मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट और बहुत सारी वीडियोस और अपने आप में अपडेट भी कर रहा हूँ। तो गाइस अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना, अगर पुराने हो तो इसे बने रहना और सपोर्ट करते रहना, लाइक कमेंट शेयर से भर देना, एकदम बहुत सारा प्यार देना, और काफ़ी मज़ा आया। और ये व्लॉग को करना चाहूँगा यहीं पे एंड, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। फैजू भाई लव यू सो मच, आप इतना स्ट्रगल करते आए, बहुत मतलब AM to PM आप इतना मेहनत किए, पूरी रात रात सोए नहीं, काफ़ी मेरे को अच्छा लगा बहुत।